आज के समय में बॉक्स ऑफिस पर फिल्में स्टार से ज्यादा कंटेंट की वजह से चलती है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग होने के बावजूद भी सेलिब्रिटी को कुछ खास फायदा नहीं मिलता है। पिछले कुछ समय कई बिग बजट बड़े स्टार्स की मूवी औंधे मुंह बॉक्स ऑफिस पर गिर गई। आज के समय में लोगों का ध्यान सिर्फ कंटेंट पर है। आइए बिना देर के उन 7 लो बजट फिल्मों के बारे में जानते हैं जिन्होंने सिनेमाघरों में बम्पर कमाई की है। इस लिस्ट में स्त्री 2 से लेकर 12th फेल तक का नाम शामिल है। नंबर 1 पर है द कश्मीर फाइल। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। फिल्म का बजट लगभग 20 करोड़ रुपए था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। नंबर 2 कहानी। विद्या बालन की फिल्म कहानी ने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फिल्म का बजट भी करीब 20 करोड़ रुपए ही था। फिल्म को 3 नेशनल अवार्ड भी मिले थे। फिल्म की कहानी ने फैंस का दिल जीत लिया था। नंबर 3 फुकरे 3। फुकरे के सभी पार्ट्स को लोगों ने खूब पसंद किया था। फुकरे 3 को बनने में 45 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 130 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। नंबर 4 12th फेल, जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है। विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की है। फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपए था। फिल्म को आम लोगों से लेकर सेलेब्स तक ने खूब पसंद किया था। फैंस को उम्मीद है कि फिल्म को नेशनल अवार्ड जरूर मिलेगा। नंबर 5 द केरला स्टोरी। अदा शर्मा की द केरला स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। फिल्म की कमाई देख मेकर्स की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस फिल्म को बनाने में सिर्फ 15 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। नंबर 6 पर है राजी। आलिया भट्ट और विक्की कौशल की राजी को लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म में एक्ट्रेस ने भारत की जासूस का किरदार निभाया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की थी। नंबर 7 पर है स्त्री 2, जो अभी थिएटर में चल रही है। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रखा है। फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए। फिल्म ने लगभग 5 दिनों में 228 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि किसी भी फिल्म में बड़े स्टार्स का होना और ज्यादा बजट का होना ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि कंटेंट कैसा है।